देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आज हम अपनी जिंदगी का एक ऐसा पल आपको बताने जा रहे हैं जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल पाया, क्योंकि एक रात मुझे एक कब्र के अंदर बितानी पड़ी थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात थी, जिसे जानकर आप सभी की रूह कांप जाएगी। तो चलिए जानते इस कहानी को और भी विस्तार से। दोस्तों, मेरा नाम सूरज है और ये उन दोनों की बात है जब मैं ऑफिस में जॉब किया करता था। ऐसे एक दिन ऑफिस में काम करते करते मुझे काफ़ी समय हो गया था, क्योंकि मैनेजर ने उस दिन मुझे बहुत ही ज़रूरी काम सौंप दिया था, जिस वजह से मुझे काम ख़त्म करते करते रात के 12 बज गए थे। काम ख़त्म हो जाने के बाद जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो रोड पूरी तरह से खाली था, किसी वाहन का आना जाना तक नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर बस स्टैंड है, तो मैं बस पकड़ के घर चला जाता हूँ। और ये सोचकर मैं बस स्टैंड की तरफ जाने लगा। बस स्टैंड पर जाने के लिए मुझे एक कब्रिस्तान से होकर जाना था, और जब मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुँचा तो इस अंधेरी रात में वो कब्रिस्तान और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था। कब्रिस्तान के पास पहुँचते ही मेरे पाँव अपने आप ही तेज़ी से बढ़ने लगे थे। अभी मैं बस स्टैंड की तरफ जा ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा हो, और अब मेरे दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। अब मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं पीछे की तरफ घूम कर देख सकूं। मैं बस स्टैंड की तरफ ही बढ़े जा रहा था, पर अब वो आहट और भी ज़्यादा तेज हो गई थी। उस आहट को सुनकर जब मैंने डरते हुए पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था, और तब मेरी जान में जान आई। फिर मैंने सोचा कि शायद ही मेरा वहम था, और यही सोचते हुए मैं बस स्टैंड पर पहुंच गया। जैसे मैं बस स्टैंड पर पहुंचा तो वैसे बस स्टैंड से बस निकल गई। मैंने दौड़कर बस पकड़ने की कोशिश भी की, पर बस रुकी नहीं। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। तभी मेरी नज़र बस स्टैंड पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर गई। उस बूढ़े आदमी को देखकर मुझे लगा कि शायद वो भिखारी है, और पूरी तरह से बस स्टैंड पर खामोशी पसरी हुई थी। उस बूढ़े आदमी को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिल रही थी। अगर ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर नहीं होता तो एक अंदर से डर बैठा रहता। यही सोचकर उस बूढ़े आदमी के मैं पास जाकर बस का वेट करने लगा। पर बस का इंतज़ार करते करते मुझे रात के 1 बजने को हो गए थे, पर अभी तक बस का कोई नामो निशान नहीं था। मैंने उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा अब यहाँ पर कोई बस आएगी क्या? मेरे इतना कहने पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि एक बस है बेटा, 1 बजे तक आएगी वो। वैसे तुम्हें जाना कहाँ पर है? तो उस बूढ़े आदमी के इतना कहने पर मैंने कहा, मुझे सुजानगंज जाना है। मेरे इतना कहने पर उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो बस तो वहाँ पर नहीं जाएगी। पर उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा हैरान हो गया कि अब मैं क्या करूँ। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी अचानक से गायब हो गया, और उस आदमी को गायब होता हुआ देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। डर से मेरे हाथ पर कपकपाने लगे थे। अभी मैं डरा सहमा खड़ा था कि तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई पड़ी। उस आहट को सुनकर जब मैंने उस तरफ देखा तो वही बूढ़ा आदमी जा रहा था। उसे देखकर मेरा शरीर सुन पड़ गया था। अभी मैं उस बूढ़े आदमी की ओर ही देख रहा था कि तभी अचानक से फिर से वो गायब हो गया, और उस बूढ़े आदमी को गायब होता हुआ देखकर मैं वहाँ से भागता हुआ ऑफिस की तरफ जाने लगा। अभी मैं ऑफिस की तरफ भागते ही जा रहा था, पर जैसे मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुँचने वाला था कि उस कब्रिस्तान के अंदर से अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आने लगी। उन आवाज़ों को सुनकर मैं उसी जगह पर रुक गया। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे की ओर जाऊं। अब मैं बहुत ही बुरी तरह से फंस गया था, ना तो मैं इधर का हुआ और ना ही उधर का। मुझे तो ऑफिस में रुक जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने यहाँ पर आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, और ये अंधेरी रात बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी, और चारों तरफ सिर्फ खामोशी पसरी हुई थी, सिर्फ झिंगरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अभी मैं डरा से मैं वहीं पर खड़ा ही था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे से आ रहा हो, और जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा कि उस आदमी का पाँव ही नहीं था, और वो हवा में चलते चलते
मेरी तरफ ही आ रहा था। उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर मैंने सोचा कि अगर मैं दौड़ूंगा तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, और ये सोचकर मैं वहीं पर रुका रहा। और मैंने उन्हीं की तरह अपने हाथ पांव टेढ़े कर लिए और मैं उन्हीं की तरह उस कब्रिस्तान की ओर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा था, ताकि उसे लगे कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि देखते ही देखते मेरे पास बहुत ही सारे लोग आ गए। उन सभी को देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। अपने डर को काबू में करते हुए उन सभी के साथ उस कब्रिस्तान की ओर मैं बढ़ता रहा, और उन सभी की शक्ल इतनी ज़्यादा भयानक थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, ये सब देखकर मैं अपने डर को कैसे भी करके काबू में करते हुए उन सभी के साथ उस कब्रिस्तान के पास पहुंच गया। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही वो सभी उस कब्रिस्तान के अंदर जाने लगे। उन सभी को अंदर जाता हुआ देखकर मैं वहीं पर रुक गया। अब मैं उन सभी का अंदर जाने का इंतज़ार करने लगा, ये सोच करके इन सभी के अंदर जाते ही मैं यहाँ से भागते हुए ऑफिस की ओर चला जाऊँगा। पर सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उन सभी में से किसी ने मुझे नहीं पहचाना। अब मुझे इन सभी का अंदर जाने का इंतज़ार था। अभी मैं उन सभी का अंदर जाने का इंतज़ार ही कर रहा था कि तभी मेरी नज़र उस बूढ़े आदमी पर गई जिसे मैंने बस स्टैंड पर देखा। उसे देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया था कि कहीं ये मुझे देख ना ले। अगर उस बूढ़े आदमी ने मुझे देख लिया तो मेरा मरना पक्का है। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि तभी वो मेरी तरफ आते हुए दिखाई दिया। उसे अपनी तरफ आते हुए देखकर मैं कब्रिस्तान के अंदर जाने लगा, ये सोच करके ये बूढ़ा आदमी यहाँ से चला जाएगा तो मैं इस कब्रिस्तान से निकलकर ऑफिस चला जाऊँगा। और ये सोचकर मैं कब्रिस्तान में चला गया। पर कब्रिस्तान के अंदर जाने पर मैंने देखा कि सभी के सभी एक ही कब्र के अंदर जा रहे थे। उन्हें कब्र के अंदर जाता हुआ देखकर मैं एक कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया और वहीं से उस बूढ़े आदमी पर नज़र रखने लगा। अभी मैं उस बूढ़े आदमी को देख ही रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी कब्रिस्तान के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। उसे अंदर आता हुआ देखकर मेरे हाथ पर बुरी तरह से कपकपाने लगे। अभी मैं अपने हाथ पैर को काबू में करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मैं जिस कब्र के पास खड़ा था उस कब्र के अंदर से एक बहुत ही भयानक शैतान निकला, और उस शैतान को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। पर अपने डर को चेहरे पर मैंने आने नहीं दिया और मैं उस कब्र से पीछे हटने लगा। उसे देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खौफजदा हो गया था। फिर मैं डरते हुए उस कब्र से पीछे हटने लगा, और अभी मैं पीछे की ओर बढ़ ही रहा था कि तभी मेरा पैर एक कब्र से टकरा गया। कब्र से पैर टकराने की वजह से मैं वहीं पर गिर पड़ा। पर मैं जैसे ही नीचे गिरा तो मुझे वहीं पर एक छोटे बच्चे ने देख लिया, और उस बच्चे को देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया कि कहीं ये बच्चा मुझे नुकसान ना पहुँचा दे। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वो बच्चा मेरे पास आ गया। उसे सामने देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई थी और मेरे हाथ पर कपकपाने लगे थे। मुझे इस तरह सामने देखकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गई थी और मेरे हाथ पर कांपने लगे थे। मुझे इस तरह देखकर उस बच्चे ने मुझसे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। पर उस बच्चे की बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, पर अभी भी मेरे हाथ पैर डर से कपकपाए जा रहे थे कि तभी उस बच्चे ने कहा कि पर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। उस बच्चे के इतना कहने पर मैंने उस बच्चे को सारी बात बताई, और मेरी बात सुनकर उस बच्चे ने बताया कि वो बूढ़ा आदमी ही तो डराकर यहाँ पर सभी को लेकर आता है और उन सभी को मारकर उनका खून पीता है, और फिर अगले दिन से वो भी इन सभी के साथ शामिल हो जाता है। जो अभी तुमने कुछ समय पहले देखा वो सब तुम्हारी ही तरह थे, पर जो भी उस बूढ़े आदमी को देख लेता है उसका मरना तो तय होता है। पर तुम शुक्र मानो कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है जो तुम अभी तक जिंदा बचे हो, नहीं तो आज तुम उन सभी के हाथों मारे जाते। उस बच्चे की बात सुनकर मैं सहम सा गया और डरते उस बच्चे से बोला, पर मैं यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ। मेरे इतना कहने पर उस बच्चे ने बताया कि अभी यहाँ से निकलना अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा। तुम सुबह ही यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी अब वो पूरी रात उसी गेट के पास रहेगा। अगर तुम उस गेट से बाहर जाओगे तो वो बूढ़ा आदमी तुम्हें देखते ही पहचान जाएगा, इसलिए तुम्हें सुबह तक यहीं पर इंतज़ार करना होगा, और सुबह होते ये सब गायब हो जाएंगे और रात होते ही फिर आ जाएंगे। दोस्तों, उस बच्चे की बात सुनकर अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
कि मैं करूं तो करूं क्या, और यहाँ पर रात भर रहना ठीक भी नहीं है, क्योंकि अभी तो इस बच्चे ने मुझे देखा है, अगर ऐसे ही रहा तो कोई और भी देख सकता है। अभी मैं मन में बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उस बच्चे ने मुझे अपने साथ आने के लिए कहा, और उस बच्चे के इतना कहने पर मैं उस बच्चे के पीछे पीछे जाने लगा, क्योंकि ये बच्चा ही था जो मेरी मदद कर सकता था। अभी मैं उस बच्चे के पीछे ही जा रहा था कि तभी मेरी नज़र एक कब्र पर गई। उस कब्र के पास एक लड़की बैठी थी और उस कब्र पर अपना सर पटक रही थी। अभी मैं उस लड़की की तरफ देख ही रहा था कि तभी वो अचानक से मेरे सामने आ गई। उस लड़की को सामने देखकर मैं वहीं पर जम सा गया, क्योंकि उस लड़की की शक्ल बहुत ही भयानक थी, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। उस लड़की का भयानक रूप देखकर अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आगे बढ़ जाऊं, कि तभी वो बच्चा उस लड़की को मेरे सामने से हटाने लगा। फिर उस बच्चे ने उस चुड़ैल से कुछ कहा। उस बच्चे की आवाज़ बहुत ही अजीब तरह की थी, जो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, पर उस बच्चे के इतना कहने पर वो चुड़ैल एक सुंदर सी लड़की में बदल गई, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा जाए। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही चुड़ैल है जिसका अभी अभी मैंने भयानक रूप देखा है। बचपन में जो कहानियाँ मैं अपने दादा दादी से सुना करता था कि चुड़ैल भी बहुत सुंदर हुआ करती है, और आज मैंने अपनी आंखों से एक चुड़ैल को एक सुंदर लड़की में बदलते हुए देख भी लिया है। अब मुझे यकीन हो गया था कि बचपन में जो दादा दादी की कहानियाँ सुनते हैं वो सच्ची कहानियाँ होती थी। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की उस कब्र के अंदर समा गई। उस लड़की के कब्र के अंदर जाते ही मैं उस बच्चे के साथ जाने लगा। वो बच्चा मुझे कब्र के पास लेकर गया और कहा कि तुम उस कब्र में सेफ हो, यहाँ पर तुम्हें कोई भी नहीं देख सकता, और सुबह होने पर तुम यहाँ से चले जाना। दोस्तों, उस बच्चे की बात सुनकर मैं उस कब्र को ही देखता रहा कि मैं इस छोटी सी कब्र में कैसे रहूँगा। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी उस बच्चे ने उस कब्र को खोला और मुझे कब्र के अंदर आने का इशारा किया। उस बच्चे के इशारा करते ही मैं उस बच्चे के पीछे उस कब्र के अंदर चला गया, और कब्र के अंदर आने पर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं उस छोटी सी कब्र के अंदर हूँ, क्योंकि जो कब्र बाहर से इतनी छोटी थी वो अंदर से उतनी ही बड़ी थी अभी मैं उस बच्चे के पीछे जा रहा था कि तभी किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ी। उस आवाज़ को सुनकर मैं वहीं पर रुक गया, और रुकते ही मैंने उस बच्चे से पूछा कि किसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। मेरे इतना कहने पर उस बच्चे ने बताया कि कोई तुम्हारी ही तरह आज उन सभी के हाथों फिर से मारा जाएगा, खैर तुम यहाँ पर सेफ हो, यहाँ पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना बोलकर वो बच्चा उस कब्र से बाहर निकल गया, और कब्र से बाहर निकलते वक्त उस बच्चे ने बोला कि मैं सुबह आ जाऊँगा। इतना बोलकर वो बच्चा उस कब्र से बाहर निकल गया, और मैं उस कब्र के अंदर सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते मेरी आँख लग गई, और फिर जब मेरी आँख खुली तो सूरज की किरण मुझ पर आ रही थी। फिर मैंने अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई तो मैं ऑफिस में था, और ये देखकर मैं हैरान हो गया कि मैं तो एक कब्र के अंदर था तो यहाँ पर कैसे आ गया। फिर मुझे लगा कि शायद उस बच्चे ने ये सब किया है। फिर तभी से मैं कभी भी देर रात को अपने घर नहीं जाता, और उस रास्ते से मैं कभी भी रात में तो क्या दिन में भी नहीं गुजरता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।